बात करते हैं मुंबई से सटे मीरा भयंदर की, जहां पर महापौर और उप महापौर के चुनाव की घोषणा जो है वो कर दी गई है। महापालिका में महापौर और उप महापौर चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारते हुए महाविकास अघाड़ी को करारी शिकस्त दी है। बुधवार की सुबह मनपा कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। बुधवार दोपहर 1 बजे तक मीरा भयंदर महापौर और उप महापौर के नामों की घोषणा होते ही शहर के राजनीतिक गलियारों में आशंकाओं, अपेक्षाओं और संभावनाओं की चर्चा पर विराम लग गया। आपको बता दें कि बहुअपेक्षित भाजपा ने दोनों पदों पर कब्जा जमाते हुए शिवसेना कांग्रेस महाअघाड़ी को एक तरफा मुकाबले में धूल चटाई है। महापौर पद पर अनुसूचित जाति के ज्योत्सना हसनाले और वहीं उप महापौर पद पर हसमुख गहलोत का चयन हुआ है। सुबह 11:30 बजे पीठासीन अधिकारी मिलिंद बोरकर की अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 12:15 बजे महापौर और 1 बजे तक उप महापौर का चयन हुआ। इस दौरान शिवसेना नगर सेविका नीलम ढवन के भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और भाजपा नगर सेविका नीला सोन्स प्रकरण पर चर्चा करने चाही, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने अनुमति नहीं दी। माहौल का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि शिवसेना सांसद राजन विचारे, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, विधायक रविंद्र फाटक, पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन सुबह 11 बजे से ही पत्रकार दीर्घा में मौजूद थे। उपस्थित 91 नगर सेवकों में भाजपा के 60, शिवसेना के 20, कांग्रेस के 11 यानी महाअघाड़ी के 31 नगर सेवक मौजूद थे। महापौर पद के लिए ज्योत्सना हसनाले के पक्ष में 55 और विपक्ष में 36। आपको बता दें कि उप महापौर पद के लिए हसमुख गहलोत के पक्ष में 56 और विपक्ष में 35 वोट पड़े। भाजपा के अश्विन कसोडिया, साथ ही वैशाली रकवी, परशुराम महात्रे, गीता जैन और मॉरिस रॉड्रिक्स ने भाजपा से बगावत करते हुए शिवसेना के महापौर अनंत शिर्के को वोट दिया था। बड़ी खुशी हो रही है, इस पद पर मुझे नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी तथा हमारे कोंकण विभाग के प्रभारी माननीय रविंद्र चौहान साहब जी, यहाँ के स्थानीय माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी तथा हमारे आजी माजी महापौर उपमहापौर और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नगर सेविका, उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और आज मुझे इस पद महापौर पद के लिए चुना। उसके लिए मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के आभारी रहूँगी और मेरे सभी मीरा भयंदर शहर के नागरिकों की मैं आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे महापौर पद के लिए आशीर्वाद दिया। नहीं, एक प्रक्रिया थी जिस तरीके से आगे थे, इसी कारणवश में जब प्रक्रिया चल रही थी मैं थोड़ा बाहर था, ना मैं समय दे पाया था इसलिए, और ना ही उनसे मेरी बातचीत हो पाई थी, तो कुछ वो विलम्ब ना हो और समय जो बांधा गया था फॉर्म भरने का वो समय फिक्स था, तो कृपया पार्टी ने ही हमें आदेश दिया था एक काम कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद में आगे बात समझी जाए। इस शहर का नेतृत्व मैं करता था इसलिए दोनों चीज़ें मेरे ही नसीब में आती, कुछ होता तो भी उसका दोषी मैं ही था, अच्छा हुआ तो भी उसका, लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा राजनीतिक सक्रिय से कम हूँ। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो सपना मेरा था कि इस शहर के अंदर फिर से भगवा महानगर पालिका पर रहलाए और भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डेप्यूटी मेयर बने। इस बीच में बहुत सारे तोड़फोड़ की राजनीति हुई लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई की जीत हुई और मैं दोनों ही हमारे मेयर मैडम नवनिर्वाचित ज्योत्सना हसनाले और डेप्यूटी मेयर हसमुख गहलोत जी, इन दोनों को ढेर सारी अपने परिवार की ओर से बधाई देता हूँ। मैं सांसद राजन जी विचारे इस शहर के लोक प्रतिनिधि है, मुजफ्फर भाई ने इस शहर का नेतृत्व पिछले कई सालों से किया है और ऐसी पहली बार घटना घटी है कि इस शहर में लोगों ने चुन के दिया हुआ एक माजी आमदार जिसके ऊपर लैंगिक शोषण का आरोप उसकी पार्टी की एक सदस्य नीला सोन्स कर रही है, पुलिस में उसने वैसे कंप्लेंट दाखिल की और उस दौरान ये इलेक्शन होता है
हमें बहुत खेद है कि लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम इस शहर का नेतृत्व तो करते हैं, मगर ऐसे भी लोग इस शहर में हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कुछ दिनों पहले जब इस कॉरपोरेशन में हमारे कुछ नगर सेवकों ने तोड़फोड़ की थी बाला साहब ठाकरे कला दालन का जो विषय था वो मंजूर करने के साथ, तभी इसी नरेंद्र मेहता ने उद्धव जी का संस्कार निकाला था, महिलाओं के जो महिला महापौर है उनका आदर शिवसैनिक करते नहीं है ऐसा उन्होंने कहा था। अभी ये महिलाओं का आदर हो उनके भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविकों का कैसा आदर करते हैं वो क्लिप के माध्यम से दिखाया गया है। हमें शर्म आती है कि ऐसा गंदा घिनौना काम इस मीरा भाईंदर का ये माजी MLA कर रहे हैं, और आज इलेक्शन के दौरान जो उनकी करतूत है वो करतूत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यों ने महाविकास आघाड़ी को मतदान किया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे दौरान जिन्होंने इस महिला के ऊपर अन्याय किया था उसके खिलाफ उन्होंने हमारे पार्टी के जो सदस्य महापौर और उप महापौर है उनको मतदान किया। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि पिछले 2.5 साल में जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मेहता के माध्यम से उनकी जो महापौर डिंपल मेहता थी उनके कार्यकाल में हो गया, आगे के कार्यकाल में महाविकास आघाड़ी विरोधी पार्टी के रूप में इस मीरा भाईंदर शहर में अगर भ्रष्टाचार वो करेंगे तो उनके खिलाफ रास्ते पे उतरेंगे। हमारा महाविकास आघाड़ी की सरकार अभी महाराष्ट्र